नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं विटामिन की डिफिशिएंसी के बारे में। तो दोस्तों, आपके सुनकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में हर साल 40,000 से ज़्यादा बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण अंधता का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत हैरानी की बात लगी, शायद आपको भी लगी होगी, क्योंकि जिस भारत देश में इतने अमाउंट में गाजर है, दूध है, दही है, पनीर है, मूँगफली है, उस देश में विटामिन ए की कमी। अगर किसी देश में गाजर नहीं है, मूंगफली नहीं है, या गाय भैंसों के कारण वहाँ पे दूध दही पनीर नहीं है, अगर उस देश में विटामिन ए की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है। बट भारत जैसे देश में तो ये बहुत भरपूर मात्रा में है ये सब चीज़ें। और ये तो वो है जो रिपोर्टेड केस में आपको बता रही हूँ। अनरिपोर्टेड केस का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शायद मैं भी नहीं लगा सकती। ऐसे ही विटामिन सी है, जिस देश में विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत आंवला है वो इजिली इतना मिल जाता है, उस देश में विटामिन सी की कमी। और ये नहीं है कि आंवला बहुत ज़्यादा महंगा है, आंवला आपको सस्ती कीमत पे कहीं मिल जाएगा 10-15 रुपए में, और आप उसको सीजन के टाइम पे इकट्ठा कर सकते हो और उसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, मुरब्बे में खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा या आंवले का अचार या आंवले के कैंडी, और मार्केट में भी आंवला के बहुत उत्पाद मिलते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो, पूरे साल खा के इसको विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हो पूरे परिवार के लिए, कभी आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। और इसके साथ साथ टमाटर उगता है यहाँ पे भारत में हमारे, नींबू है, तो ये सब चीज़ें जब इतनी है विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए, तब हम दवाइयों के पीछे क्यों भागते हैं? तो इसके लिए दवाइयों में शायद हमें एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमें पता लगे कि कौन सी चीज़ें हमारे भारत में विटामिन की पूर्ति कर सकती है। ऐसे विटामिन डी है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत चूने का पत्थर जिस देश में है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उस देश में कैल्शियम की कमी। चूने का पत्थर बाजार से आप 50 पैसे का लेके आएंगे और उसको पानी में भिगो के रख देंगे ना, तो पूरे साल आपके परिवार के लिए चल जाएगा, क्योंकि इसके अमाउंट हमें ज़्यादा नहीं लेने हैं। जीरे जितने अमाउंट में हम इसको सब्जी में या फिर दाल में या फिर हम इसको पानी में या लस्सी में या दूध में लेके ले सकते हैं, और पूरे साल हमारे सालों साल हमारे परिवार को कैल्शियम की कमी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के वक्त लेडीज इतना महंगी दवाइयाँ ले लेती हैं कैल्शियम की पूर्ति के लिए, अरे उनको समझाइए ना आप लोग कि चूने का पत्थर लीजिए और उससे अपने कैल्शियम की कमी करिए पूरी। क्यों दवाइयों पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? चूने के पत्थर आप इजिली, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये है कि किसी ने सुना नहीं होगा, शायद उनके बड़े बुजुर्ग जो उनके पूर्वज होंगे वो चूने के पत्थर के वैल्यू समझते थे, बट अगर आप किसी को समझाओगे तो आपकी कोई समझेगा नहीं, बट अगर कोई डॉक्टर उनको बोल रहे बट उनको समझ आ जाएगा कि हाँ डॉक्टर ने बोला चूने के पत्थर। तो एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इंडिया में। अब विटामिन B12 को ले लीजिए, जिस देश में हरी पत्तेदार सब्जियाँ इतनी हैं, हर तरह की सब्जी हैं, उस देश में विटामिन B12 की कमी कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि अपने आसपास वालों को समझाइए कि हमारे पास विटामिन के बहुत ज़्यादा स्रोत है, तो हम महंगी दवाइयों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम महंगी दवाइयों पर क्यों अपना पैसा वेस्ट करें जब हमारे भारत जैसे देश में हम रह रहे हैं? और हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश में सब चीज़ों की पूर्ति के लिए सब है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि चूने का पत्थर नहीं मिलता, आंवला नहीं मिलता, गाजर नहीं मिलती, सब भरपूर मात्रा में है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी ये बात हर एक के पास पहुँचे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे आप मेरे से किस बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। धन्यवाद।